नमस्कार, एक बार फिर चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी शर्मा आपके साथ। पिछली बार हमने बात की थी नीमका थाना विधानसभा सीट की और अब हम बात करेंगे कोटपूतली विधानसभा सीट के बारे में। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई। यहां पर 25 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी। इसके लिए राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि कई सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाना बाकी। राजधानी जयपुर के तहत आने वाली कोटपूतली विधानसभा सीट को हाई प्रोफाइल सीट का दर्जा हासिल। इस बार चुनाव के लिए कांग्रेस ने यहां मंत्री राजेंद्र सिंह यादव को फिर से मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने मुकेश गोयल का टिकट काटते हुए नेता हंसराज पटेल गुर्जर को टिकट दिया। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के राजेंद्र सिंह यादव ने 13,876 मतों के भारी अंतर से बीजेपी के मुकेश गोयल को हराया था। 2018 के चुनाव में कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह यादव को 57,114 वोट मिले, जबकि बीजेपी के मुकेश गोयल के खाते में 43,238 वोट आए। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रामस्वरूप को 28,353 वोट मिले और निर्दलीय प्रत्याशी हंसराज ने 24,960 वोट हासिल कर चुनाव को कड़ा बना दिया था। कोटपूतली विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन यहाँ पर किसी दल का एकाधिकार नहीं रहा। 1990 से लेकर अब तक के चुनाव पर नजर डालें तो 2 बार निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली तो 3 बार कांग्रेस के खाते में जीत। एक एक बार भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भी जीत का यहां स्वाद मिला है। अब बात करें यहां के जातिगत समीकरण की तो 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में, यानी पिछले विधानसभा चुनाव में, इस विधानसभा सीट पर 2,80,000 के आसपास मतदाता। कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र यादव बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ गुर्जर और राजपूत जाति के मतदाता भी प्रभाव रखते हैं, इसलिए इस विधानसभा क्षेत्र से विभिन्न राजनीतिक दल इन्हीं जातियों से ताकत रखने वाले प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारते हैं। यहाँ कांग्रेस ने इस बार यादव समाज के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने गुर्जर समाज के प्रत्याशी को मौका दिया। अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं एक और विधानसभा के राजनीतिक समीकरण को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।